हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद की तरफ से हाजिर हूँ इस लॉकडाउन के समय में आगे का टॉपिक लेकर। हमारा और हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा कि आपको बैक टू बैक चैप्टर, जो भी हम लोगों ने चैप्टर लिया है उसके टॉपिक्स आपको अवेलेबल कराते रहें। तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा था, दो टॉपिक मैंने सजेस्ट किए थे कि उसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। आज हम उसी के आगे का टॉपिक लेते हैं। आज हम उसी के आगे का एक टॉपिक है गतिशीलता। तो आज हम लोग गतिशीलता के बारे में बात करेंगे। गतिशीलता क्या होता है? देखिए, गतिशीलता का मतलब ही है, गति का मतलब जब कोई चीज़ गतिमान होगी, गतिमान होगा तो गतिशील होगा, तो उसकी गतिशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो भी गतिशील होंगे और गतिशील हैं तो उनकी गतिशीलता क्या होगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सामान्य रूप से जो गतिशीलता है उसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं और गतिशीलता को हम लोग अनुगमन वेग VD और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात के रूप में लेते हैं, अर्थात म्यू बराबर VD अपॉन E। तो यदि E बराबर क्या कर दिया जाए, एक ले लें, E बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो E का मान 1 होने पर क्या होगा, म्यू बराबर हमें प्राप्त होगा VD, अर्थात जो गतिशीलता है वो भी क्या है, वास्तव में एक हमारा अपवाह या अनुगमन वेग ही है। और कैसा अनुगमन वेग है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो अतः इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया गया अनुगमन वेग ही होता है। तो अब आइए इसको हम लिख के आपको बताते हैं। तो गतिशीलता की परिभाषा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी, उसके आधार पर कि किसी आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आवेश वाहक का कार्य करता है, तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, SI मात्रक, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने गणितीय रूप में जरा इसका फॉर्मूलेशन कर लेते हैं। तो गतिशीलता को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करेंगे और म्यू बराबर, अभी मैंने फार्मूला बताया था, पहला फार्मूला VD अपॉन कैपिटल E। तो एक तो इसका सूत्र यही हो जाएगा, म्यू बराबर VD अपॉन कैपिटल E, और अगर हम VD का मान रख दें तो हमें दूसरा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि I बराबर क्या होता है, NEA VD, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो यहाँ से अगर हम VD का मान निकालें तो VD बराबर क्या हो जाएगा, NEA चलाएगा इस तरफ, तो I अब बराबर क्या हो जाएगा, NEA। तो ये मान उठा के इसे अगर समीकरण एक में रख लें, लिख दें, तो समीकरण एक में मान रखने पर, तो रखने पर ये हमें हमारा दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा, म्यू बराबर VD का मान हो जाएगा I अपॉन NEA। ध्यान दीजिएगा, VD का मान क्या होगा, I अपॉन NEA, और ये E ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो म्यू बराबर हमें एक दूसरा फार्मूला मिल जाएगा, I अपॉन NEA और इंटू में क्या हो जाना है, कैपिटल E। तो ये हो गया हमारा गतिशीलता। इसमें एक चीज और देखिएगा, चूंकि हम लोगों ने ध्यान दिया था, पीछे पढ़ा है धारा घनत्व, तो चूंकि I अपॉन A क्या होता है, धारा घनत्व J होता है, तो अगर इसका मान यहां पर रख दें तो यहां पे हमें गतिशीलता का एक और फार्मूला मिल जाएगा, I अपॉन A की जगह हो जाएगा J, और अपॉन में क्या बचेगा, NE कैपिटल E।
एन इंटू ई इंटू कैपिटल ई। तो इस प्रकार से ये हमें गतिशीलता का तीसरा फार्मूला प्राप्त होगा। गतिशीलता के बाद अब हम बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध की। आप लोगों ने कक्षा 10 में भी वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ रखा है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का मतलब ही हुआ कि कोई कार्य यदि हो रहा हो तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बह रही हो, तो चालक तार में वैद्युत धारा जब बहती है तो वैद्युत धारा के मार्ग में उस चालक के विशेष गुण के कारण कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। तो वैद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा जो ये अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जरा इसे अगर हम दूसरे शब्दों में, क्योंकि ये परिभाषाएं तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसे दूसरे शब्दों में कहना हो तो यदि यह आपका कोई चालक है और इस चालक में को हम क्या करें, किसी बैटरी से जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है चालक को जैसे ही किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा तो चालक के सिरों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? एक वैद्युत विभवांतर V, और इसके कारण इसमें एक धारा I का क्या होगा? प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो चालक तार के सिरों के, जब चालक तार को किसी बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसे ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब आइए इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में अब इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि किसी यदि किसी चालक के सिरों के बीच, जब उस चालक तार को हम क्या करेंगे, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, तो उसके सिरों के बीच क्या स्थापित हो जाता है? विभवांतर, और उसमें एक विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है। तो अब ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यही चीज आपके सामने कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप वो पुरानी परिभाषा जो भी है उसे भी कि किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या अवरोध को भी हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इस परिभाषा को अगर हम फार्मूले में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? गणितीय रूप में क्या हो जाएगा? गणितीय रूप में कैपिटल R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, ये इसका हो जाएगा सूत्र। अब इसका मात्रक क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो इसके मात्रक के लिए, इसका एक मात्रक तो यहीं से निकल जाएगा, V विभवांतर है, तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और बटे में I का क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो इसका एक मात्रक तो हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर है, या इसे ही हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम हम लोग ओम जानते हैं। तो वोल्ट प्रति मीटर आप लिखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर लिखिए, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओम। ओम आप लिखिए, और चाहे ये ओम का सिंबल है, इस सिंबल को भी अगर बगल में हम बना देते हैं तो उसे ओम ही पढ़ा जाएगा। अब वैद्युत प्रतिरोध की बात यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम इसके उलट का टॉपिक की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अगला टॉपिक पढ़ने के पहले हम लोग इसकी विमा अर्थात वैद्युत प्रतिरोध की विमा भी निकाल लेते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की विमा क्या होगी, ये भी, वैद्युत प्रतिरोध की विमा, तो इसकी विमा हम इसके जो मात्रक है उसी मात्रक से निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम, और मात्रक ओम आपका
कहाँ से आता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था R बराबर V अपॉन I, तो V का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोल्ट, और I का क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब जरा ध्यान दीजिए, वोल्ट जो होता है, इस वोल्ट का मात्रक हम क्या लिखेंगे, तो वोल्ट का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, तो जहां वोल्ट लिखा हुआ है वोल्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, जूल प्रति कूलाम। अब कूलाम ये बटे में है और इसके होल अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एम्पियर, तो इसको अगर बटे में ले आए तो हो जाएगा जूल और बटे में क्या हो जाएगा, कूलाम, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका, एम्पियर आ जाएगा। अब कूलाम को हम क्या लिखते हैं, देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, तो वहीं से कूलाम को हम क्या लिख देंगे, जूल। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो जूल होता है आपका, जूल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर, तो जूल का मान भी लिख देते हैं, तो जूल का मान हो जाएगा न्यूटन मीटर, और कूलाम का क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, और साथ में आपका एम्पियर है ही। अब इनकी विमाएं हम रख देंगे, तो न्यूटन की विमा हमें मालूम है क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, मीटर, मीटर की विमा को कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे, एम्पियर है तो एम्पियर के लिए ए, सेकंड, सेकंड समय है तो इसके लिए टी, और ये फिर ए हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इनको हम कंबाइन करेंगे एक साथ, तो एम तो खैर एक ही है, तो एम एल एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो एक घात इसकी एक इसकी, तो ये हो जाएगा एल वन प्लस वन हो जाएगा एल टू। टी पे ध्यान दीजिए, तो टी में माइनस टू यहाँ पे है और नीचे प्लस वन है, प्लस वन नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस टू और माइनस वन मिलके हो जाएगा माइनस का थ्री, और ये ए इंटू ए, ए टू हो जाएगा, और ए टू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस टू। तो ये हमारी हो जाएगी वैद्युत प्रतिरोध की विमा, क्या आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब हम बात करते हैं वैद्युत चालकता की। वास्तव में वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, उसे ही हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध में धारा के मार्ग में क्या की जाती है, रुकावट उत्पन्न की जाती है, जबकि चालकता में उसे प्रवाहित होने के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान आर, और इसके के सूत्र से क्या हो जाएगा, आई अपान वी। इसके कई सारे मात्रक होते हैं, मैंने सारे मात्रक लिख दिए हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए आवश्यक हैं। मो, मो का मतलब ओम का उल्टा मो, उसी से जैसे ओम होता है, ओम का उल्टा ही ओम इनवर्स लिखते हैं, तो ये ओम इनवर्स या एम्पियर प्रति वोल्ट, या इसे ही हम क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। अब इसकी विमा क्या होगी, तो जाहिर सी बात है जब ये वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो वैद्युत प्रतिरोध की जो विमा है उसका वन अपॉन करके हम इसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी, वन अपॉन आर की विमा, तो R की विमा हम लोगों ने भी पीछे निकाली थी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो देखिए ये जब ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाने पर इन सभी के साइन क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू, टी माइनस थ्री है तो ऊपर जाएगा प्लस थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू से काहे में कन्वर्ट हो जाएगा ए टू में, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। अब हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम। देखिए ओम ने अपनी बातों को बहुत ही विस्तृत रूप से बताया, उन पर बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकली अपनी बातों को प्रूफ भी किया, इन प्रैक्टिकल्स को लैब में आराम से किया भी जा सकता है। तो यहाँ पर ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया था कि अगर कोई भी चालक तार हो और उसकी भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब उसके ताप आदि को ना बढ़ाया जाए, उस पर कोई एक्स्ट्रा दाब आदि ना लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होता है
और उस विभवांतर के कारण उसमें जो धारा बहती है, उन दोनों का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो यही बात यहाँ लिखी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। गणितीय रूप में V अपॉन I बराबर नियतांक, और चूंकि पीछे हमने पढ़ा कि V अपॉन I बराबर क्या होता है, R अर्थात वैद्युत प्रतिरोध, तो V अपॉन I बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, ये नियतांक। यही हमारा क्या है, ओम का नियम। यदि ओम के नियम में V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो यह हमें सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो अब ओम के नियम से हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्पत्ति करेंगे, और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।